हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, तो उसमें बताने वाला हूँ शेप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। शेप मतलब कस्टम शेप। मुझे कोई भी ट्रायंगल बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, पेंटागन बनाना है, कोई भी बनाना है वो हम बना सकते हैं ना। तो उसके लिए सिंपल सा क्या तरीका है, स्विफ्ट जो है खुद से प्रोवाइड करता है, हमें उसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। क्या करना है, पाथ बनाया मैंने और पाथ इन मैंने क्लोजर रिटर्न करते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपल ये करना है पाथ डॉट। अब जैसे ये है ट्राइंगल ना, ट्राइंगल में 1 2 3 डिपेंड करता है कि कौन सी शेप बना रहे हैं, तो उसमें पॉइंट उतने ही होंगे। जैसे ट्राइंगल है तो इसमें 3 पॉइंट्स है ना, तो इस पॉइंट को मुझे पहले निकालना पड़ेगा। मान लो अब इस पॉइंट के जो पॉइंट्स हैं, पाथ डॉट मूव, सबसे पहला जो पॉइंट होता है उसे मूव ही कराना पड़ता है कहाँ पे है। उसके बाद सी जी पॉइंट, और अब लिख देते हैं एक्स की वैल्यू 200 है, सॉरी, और वाई की वैल्यू 100 है। एक्स की वैल्यू 200 का मतलब क्या है कि लेफ्ट से वो 200 है और टॉप से 100। ये पॉइंट बन गया हमारा। अब जो दूसरा पॉइंट बनेगा ना ये, तो इस केस में एक्स की वैल्यू बढ़ी और वाई की वैल्यू भी बढ़ी ना, तो हमें क्या करना है, पाथ डॉट एड लाइन, एड लाइन, पाथ डॉट एड लाइन क्या, और मैंने एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई सी जी पॉइंट, और एक्स की वैल्यू हो गई कितनी 350, मतलब यहाँ से 350, और टॉप से मान लो 100, और कुछ भी कर सकते हैं, 100 और मान लो 400 कर दिया। और अब एक ये लाइन ड्रॉ हो गई ना, अगर मैं अभी रहने देते हैं इसके लिए। अब दूसरा क्या करते हैं, पाथ डॉट एड लाइन, फिर से मैं करता हूँ एड लाइन। अब क्या करना है मुझे, ये लाइन ड्रॉ हो गई ना ये वाली, अब मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन पॉइंट तो स्टार्टिंग हुई है सी जी पॉइंट, एक्स की वैल्यू वही रहने वाली है 350 ना, क्योंकि 350 है, और वाई की, हाँ सॉरी सॉरी, एक्स की वैल्यू सेम रहने वाली है ना, क्योंकि वाई की वैल्यू तो ये हो जाएगी, वाई की वैल्यू है 100 है ना, वाई की वैल्यू तो है 100, और एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी ना 200 से 350, मान लो अब ये 500 हो गई। ठीक है, तो एक लाइन ये ड्रॉ हो गई, एक लाइन ये ड्रॉ हो गई, अब दूसरी लाइन ये ड्रॉ करनी है ना, तो वो कर लेते हैं पाथ डॉट एड लाइन है ना। अब कौन सी करनी, सीधा हमें यही जाना है 200 और वाई की वैल्यू 0 ना, तो एक्स सी जी पॉइंट, इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू वही 200 और वाई की वैल्यू 100 ना। तो यही है बन के, देख लेते हैं कैसा शेप बनी है। बनाया तो ट्रायंगल था, पता नहीं क्या बनेगा, इसे बन गया ना, पर ये थोड़ा लेफ्ट में ज़्यादा चला गया ना, कि मैंने शायद इसे एक्स की वैल्यू 500 दे दी, 500 इसकी विड्थ होगी नहीं ना, तो मान लेते हैं यहाँ पे 100 दे देते हैं, इसमें 250 दे देते हैं, और एक्स की वैल्यू 250 की जगह पे हम 150 बढ़ाए ना, तो 400 दे देते हैं, और फिर एक्स की वैल्यू पे 100 दे देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ बना है कि नहीं बना, तो कुछ तो बन जाना चाहिए। नहीं, जैसे ट्रायंगल बन गया, प्रॉपर नहीं है ट्रायंगल, पर ठीक ठाक ट्रायंगल लग रहा है ना, तो बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक ही दिख रहा है। अब यहाँ पे हम स्ट्रोक कलर दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी है स्ट्रोक। अब मैंने स्ट्रोक दिया, अब स्ट्रोक कलर में मैं कलर डॉट ब्लू दे सकता हूँ। अब कलर डॉट ब्लू दिया तो जो लाइन होगी वो ब्लू आनी चाहिए ना, पर मे भी ना आए क्योंकि अभी हमने उसकी विड्थ दी नहीं है ना, तो पर ठीक है आ गया। अब इसकी हम विड्थ दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, लाइन विड्थ मान लो 10 दे दी। ठीक है, अब मेन इशू आने वाला है इसमें, जैसे मैंने लाइन विड्थ 10 दी है ना, तो देखते हैं क्या इशू आने वाला है। तो जैसे मैंने दी ना, तो देखो ये लाइन ठीक है एज टू एज है, ये भी लाइन एज टू मतलब कॉर्नर वो है, पिन पॉइंट है इसका, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे जूम करके तो ये थोड़ी डिसऑर्डर्ड सी लग रही है ना, तो जैसे इसके मतलब पॉइंट्स नहीं निकले हुए हैं, ये लगा हुआ है कि एक के ऊपर एक रखा हुआ है ना, तो इसको फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं पाथ डॉट क्लोज सब पाथ करके एक प्रॉपर्टी होती है, जिससे क्या है कि वो ऐसा लगेगा कि अब क्लोज हो गया ना, अब ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कोई अलग से लाइन उसके ऊपर रखी है, तो जैसे ये हो गया ना। पर मान लो कि अब मुझे ये नहीं दिखाना, पॉइंट पॉइंट्स नहीं दिखाने, मुझे ये एजेस जो है राउंडेड दिखानी है, तो राउंडेड दिखाने के लिए जैसे स्ट्रोक ही यूज़ किया है मैंने, है ना, तो क्या करना है,
अब यहाँ पे प्रॉपर्टी स्ट्रोक, जैसे मैंने लिखता हूँ स्ट्रोक विद स्टाइल, यहाँ पे ना स्टाइल मैं देता हूँ, अब यहाँ पे स्ट्रोक स्टाइल देना है ना, तो स्ट्रोक स्टाइल दिया मैंने, और लाइन विड्थ दी मैंने, क्या दी लाइन विड्थ दी 10, लाइन कैप मैंने राउंड दिया और जॉइन भी मैंने राउंड दिया, और बाकियों की मुझे आई थिंक ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब रन करके देखो ना, अब मे बी इसकी ज़रूरत ना पड़े हमें। ठीक है, तो देखो क्योंकि मैंने अभी अंदर का बंद नहीं किया ना, अच्छा 100 दे दिया मैंने लाइन में, देख लेते पर 100 भी। ठीक है, ये राउंड बन गए ना एजिस, 100 ना देके 10 दे देते हैं, 100 तो ज़्यादा ही लग रहा है कुछ। अब मैंने 10 दिया तो विड्थ 10 बन जाएंगी, और जो उसके एज राउंडेड है जो देखेंगे ये राउंडेड आ रहे हैं। ठीक है, यही है वीडियो में। अब जैसे मान लो मैंने तो ट्राइंगल बनाया है, और तो ट्राइंगल के बाद मान लो कोई और भी एक और एजेस बननी है। ठीक है, स्क्वायर ही बना सकते हैं, जैसे एक्स है 100, जैसे स्क्वायर ही बना लेते हैं चलो। ठीक है, एक्स 100 वाई 100, और एक्स 100 वाई 100 दूसरे के लिए एक्स सेम रहेगा, एक्स सेम रहेगा और वाई की वैल्यू आपकी, सॉरी सॉरी हाँ एक्स सेम रहेगा और वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू ऊपर से बढ़ जाएगी ना, हाँ वाई की वैल्यू 400 हो जाएगी। अब दूसरा मैं बना रहा हूँ, तो 100 से 400 आया मतलब 300 बिट की ना, तो अब थर्ड लाइन के लिए एक्स की वैल्यू 300 कर देते हैं। ठीक है, और वाई की वैल्यू 400 ही रहेगी, दो रो बन गई। इसी तरह से दो लाइन और ऐड कर देनी है हमें, और दो लाइन ऐड करने के लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू वही 300, एक्स की वैल्यू अब टॉप पे चली जाएगी ना, अब एक्स की वैल्यू यहाँ वाली लेंगे, अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, अब एक्स की वैल्यू यहाँ पर है कितनी, 300 ही रहेगी, और वाई की वैल्यू 100 हो जाएगी। पर अब जो लास्ट वाली लाइन है वो 100 बाई 100 रहेगी। तो ये चार पॉइंट्स बन चुके हैं, तो देख लेते हैं लाइन। पहली लाइन यहाँ से यहाँ तक, दूसरी यहाँ से यहाँ तक, तीसरी यहाँ से यहाँ तक, चौथी यहाँ से यहाँ तक, तो मे बी स्क्वायर टाइप बन जाना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर ना तो रेक्टेंगल तो बन ही गया क्योंकि 300 दिया था हमने। तो यही था वीडियो में, अच्छी लगे तो लाइक वाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगे सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।